शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म चिकित्सा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में बॉडी क्लींजिंग दो तरीके से होती है, एक होता है शोधन और दूसरा होता है समन। शोधन का मतलब होता है पंचकर्म चिकित्सा, पंच माने पांच, पांच ऐसे कर्म के जिनके द्वारा हमारी बॉडी को क्लीन किया जाता है। सबसे पहला है वमन, जिसमें उल्टी करवाई जाती है। दूसरा है विरेचन, जिसमें आपको मोशन पास करवाए जाते हैं। तीसरा है बस्ती, जिसमें आपको गुदा मार्ग से एनिमा दिया जाता है। चौथा है नस्य और पांचवा है रक्त मोक्षण। ये ऐसी चीज है पांच जिसके द्वारा आपकी बॉडी को क्लींजिंग किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं 10 ऐसे बेनिफिट्स जो इंसान पंचकर्म ट्रीटमेंट करवाता है, तो कौन से ऐसे 10 बेनिफिट्स उसको हो सकते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्म हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, चरक ऋषि ने चरक संहिता में और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय में ऐसा कहा है कि बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए शोधन चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोधन चिकित्सा और समन चिकित्सा, ये दो तरीके से चिकित्सा की जाती है। समन जिसमें औषधि और परहेज यानी कि डाइट के द्वारा चिकित्सा की जाती है, और शोधन में बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है जिसमें पांच क्रियाएं करवाई जाती है। सबसे पहली क्रिया है वमन, जिसमें उल्टी करवा के शरीर के ऊर्ध्व भाग की शुद्धि करी जाती है। दूसरा है विरेचन, जिसमें मोशन करवा के शरीर के अधोभाग की शुद्धि करवाई जाती है। तीसरा है बस्ती, जिसमें एनिमा दिया जाता है काढ़ा और ऑयल का, जिससे वायु का शमन होता है। और चौथा है नस्य, जिसमें नाक में ऑयल डाला जाता है। और पांचवा है रक्त मोक्षण। ये हमारी पंचकर्म की डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि पंचकर्म की पांच ऐसी चिकित्साएं हैं कि जिससे द्वारा हमारे शरीर को डिटॉक्स यानी कि क्लीन किया जाता है। चरक संहिता में सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में और अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि ने सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में ये डिटॉक्सिफिकेशन का यानी कि पंचकर्म चिकित्सा का विस्तार से उसका उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं कि चरक के अनुसार अगर हम पंचकर्म करवाते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला, चरक संहिता के अनुसार हम पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं तो सबसे पहला जो हमें बेनिफिट मिलता है वो है काय अग्नि निर्भवते, यानी कि काय की हमारा शरीर का जो अग्नि है, हमारे शरीर में 13 प्रकार के अग्नि है। एक है जठराग्नि, फिर पांच हमारी जो 5 एलिमेंट्स है उसका अग्नि, और हमारी 7 धातुएं हैं उसका अग्नि। ये सब मिला के जो हमारे 13 अग्नि है वो हमारे सारे के सारे अग्नि जो है वो ठीक हो जाते हैं। अगर हमारे अग्निमंद है तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ, हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो अग्निमंद होने के यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से होते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी अग्नि ठीक हो जाती है। हमारी अग्नि ठीक हो जाएगी, हमें जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे कि हमें फैटी लीवर की तकलीफ है या हमारे गैस एसिडिटी या ऐसी कोई भी बीमारी है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट है व्याधियश्च उपशमयन्ति, यानी कि आपको कोई भी बीमारी हुई है उसका उपशमन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि हमें मोटापा है या डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, पीसीओडी की बीमारी है, अर्टिकेरिया है, बालों के झड़ने की शिकायत, कोई भी हमारी बीमारी है, वो जितनी भी व्याधियां हैं जब हम पंचकर्म की चिकित्सा करवाते हैं तो वो सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जो बढ़े हुए दोष हैं, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, पंचकर्म चिकित्सा करने से ये बढ़े हुए जो दोष है वो अपनी समान यानी कि अपनी नॉर्मल स्थिति में आने लगते हैं। अपनी नॉर्मल स्थिति में जैसे जैसे दोष आने लगते हैं, जो जो लाइफस्टाइल डिसीज हमारी बॉडी में आए हुए हैं, जो क्रोनिक डिसीज हमारे शरीर में है, वो भी धीरे धीरे बैलेंस होते जाते हैं और हमारा शरीर जो है वो निरोगी होने लगता है। तीसरा बेनिफिट हम देखने जाए तो वो है प्रकृतिश्च अनुवर्तते, यानी कि हमारी जो नेचुरल प्रकृति है, यानी कि इंसान की 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तो वो हम अगर पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं तो हमारी नेचुरल प्रकृति पे हम वापिस आ जाते हैं। जो दोष हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है उस दोष का समन होता है और हमारा जो नेचुरल दोष, हमारा जो शरीर है वो समदोष हो जाता है। उसके बाद चौथा बेनिफिट है इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च प्रसीदति, यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रिया है, यानी कि जैसे हम देखने जाए तो हमारी 5 सेंसेस है, हमारी चक्षु इंद्री है, नाक है, जीभ है, फिर हमारी स्किन है ये, और हमारे कान, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। उसके अलावा हमारे जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पैर हैं, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं
वो इंद्रिया जो है वो हमारी और पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में जो टॉक्सिन्स जमा है वो सारे डिटॉक्स हो जाते हैं, बॉडी अंदर से क्लींज होती है, तो हमारी इंद्रिया है वो शुद्ध होती है। मनोबुद्धि यानी कि हमारे मन के जितने भी विकार है, किसी को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर हुए हैं, वो भी पंचकर्म चिकित्सा से ठीक होते हैं। और वर्णश्च प्रसिद्धति यानी कि जब हमारा बॉडी सूक्ष्म लेवल से, इंटरनल सूक्ष्म लेवल से जब बॉडी की क्लींजिंग होती है, तो हमारा वर्ण यानी कि हमारा जो स्किन टोन है, हमारा जो बॉडी का कलर है, वो ग्लो करता है, हमारा फेस ग्लो करता है, हमारा पूरा बॉडी ग्लो करता है, इसे कहते हैं वर्णश्च प्रसिद्धति। तो ये हमारा ये पंचकर्म का फोर्थ बेनिफिट है। पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत फिफ्थ बेनिफिट है, वो है बल पुष्टि। बल पुष्टि का मतलब है कि जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाते हैं, आप वमन करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, बस्ती लेते हैं, नस्य करवाते हैं, ये सारी चिकित्साएं जब आप करवाते जाते हैं, तो जो आपको फटीग का एहसास होता था, जो आपका बल का क्षय हो गया था, जो आपको आपके जो बीमारियां थी जिसकी वजह से आपके शरीर की ताकत कम हो गई थी, आपके शरीर का बल कम हो गया था, वो बल वापस आने लगता है। और वो आप पहले 5-10-15 साल पहले जैसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वैसी फिजिकल स्ट्रेंथ को आप वापस प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद पंचकर्म करवाने का सिक्स्थ बेनिफिट बताया है आचार्य चरक ने, वो है अपत्य। अपत्य का मतलब है इनफर्टिलिटी, मतलब मेल हो या फीमेल हो, जो भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित है, मतलब कि आपकी शादी हो गई है, 2-4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आपने IVF ट्राई कर लिया, नेचुरली ट्राई कर लिया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो वैसे सब लोगों को पंचकर्म चिकित्सा करवाना चाहिए। क्योंकि बॉडी जब इंटरनल सूक्ष्म लेवल से क्लीन होती है, आपकी सारी धातुएं क्लीन होती है, तो शुक्र यानी कि वीर्य जो है वो आपके शरीर की अंतिम धातु है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपकी सारी धातुएं अच्छे तरीके से बनेंगी, तो हो सकता है कि अपत्य यानी कि आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाए और आपकी बॉडी जो है वो इनफर्टिलिटी स्टेज में से फर्टाइल स्टेज में वापस आ जाए। उसके बाद सातवें नंबर का बेनिफिट है पंचकर्म ट्रीटमेंट का, वो है वृश्यता। आचार्य चरक ने ऐसा कहा है कि जो भी पंचकर्म चिकित्सा करवाता है उसको वृश्यता प्राप्त होती है। वृश्यता का मतलब कि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि काफी सारी फीमेल होती है, उनके अंदर में भी सेक्स के प्रति अरुचि हो जाती है, यानी कि उनकी वजाइना में, इंटरनल स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और लुब्रिकेशन की कमी की वजह से उनको सेक्स की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। उसके अलावा मेल में प्री मेच्योर इजैक्युलेशन या तो लिबिडो का प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसी सारी जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ों का इलाज पंचकर्म में है। अगर हम पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं तो आपको वृश्यता प्राप्त होती है और आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाती है। उसके बाद पंचकर्म करवाने का आठवां बेनिफिट है जरा कृच्छेन लभते, यानी कि पंचकर्म चिकित्सा खुद में ही एक एंटी एजिंग चिकित्सा है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल का जो खान पान और रहन सहन है उसकी वजह से 25, 30 और 35 साल में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि जो आपको 40, 45 या 50 साल के लगते हैं, मतलब कि अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े हुए लगते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा करने से जब बॉडी क्लींजिंग करवाई जाती है तो धीमे धीमे अंदर की धातुएं शुद्ध होने लगती है और वो जो अपनी एज उनकी जो एज है वो धीरे धीरे वापस छोटी होने लगती है। और ये पंचकर्म ट्रीटमेंट इसीलिए करवाया जाता है कि ये एक एंटी एजिंग भी ट्रीटमेंट है। अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं, आप अपनी एज को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो आपको पंचकर्म चिकित्सा बार बार करवाना चाहिए। उसके बाद पंचकर्म चिकित्सा का नौवां बेनिफिट है चिरम जीवताया नाम, यानी कि जो लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं वो लोगों को पंचकर्म चिकित्सा जरूर करवानी चाहिए। और पंचकर्म चिकित्सा का दसवें नंबर का बेनिफिट है आचार्य चरक के अनुसार, वो बेनिफिट है तस्मात संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेन्नर, यानी कि यहाँ पे ऋषियों ने ऐसा कहा है कि पंचकर्म चिकित्सा इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, शरीर के लिए इतनी अच्छी है कि उसको काले काले यानी कि बार बार उचित समय पे उसको रिपीट करवाना चाहिए। जैसे कि हर पंचकर्म चिकित्सा का अपना एक समय है, जैसे कि वमन है तो वमन में कफ दोष का निकाल होता है शरीर से, तो कफ दोष बढ़ने की जो ऋतु है वो यानी मार्च महीने का जो टाइम है वो होता है, तो मार्च महीने का जो आसपास का टाइम है जिसे वसंत ऋतु कहा जाता है उसमें कफ नेचुरली बढ़ता है, तो आप वसंत ऋतु में वमन करवा सकते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु में शरीर में वात दोष बढ़ता है, तो वर्षा ऋतु में आप बस्ती की ट्रीटमेंट हर साल करवा सकते हैं। और जब शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर का महीना आता है तब उस महीने में नेचुरली बॉडी में पित्त बढ़ता है, तब आप विरेचन करवा सकते हैं।
ऐसा ऋषियों ने कहा है कि बार बार उसको करवाते जाइए। बार बार पंचकर्म करवाने से आपकी बॉडी हमेशा क्लीन रहेगी और आप हमेशा सदा जवान रहेंगे। तो दोस्तों, आचार्यों के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार मैंने आपको पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा होने वाले 10 बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करें और अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।